गणपति बापा के लिए मैंने ये मिल्क पाउडर का मावा और मावा में से मोदक बनाया है। तो आज ये और अब ये बढ़िया से मेरे मोदक बन के रेडी हैं। और अब इन्हें सबसे पहले गणपति बापा को भोग लगाएंगे। तो ये मेरे सारे बढ़िया से मोदक बन के रेडी है। ये मैंने मोदक के सांचे से बनाया है और ये सांचे भी घर का एक बनाया है। तो बढ़िया सा अपना बापा का प्रसाद रेडी है। मोदक बस इस तरह से घर का बनाया हुआ प्रसाद भगवान को खिलाए तो उसका आनंद ही कुछ और आ जाता है। खुद के हाथों से बनाया हुआ। बस बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। आज अपने मिल्क पाउडर से गणपति बाप्पा को चढ़ाने के लिए मोदक बनाएंगे। तो ये मिल्क पाउडर है, एक बाउल अप्रॉक्सीमेट 100 ग्राम्स के ऊपर है। ये पाउडर शुगर है, ये 50-60 ग्राम है। ये है 1.5 टीस्पून शुद्ध घी, देसी घी। एक कटोरी फुल फैट मिल्क है, मलाई भी ली है थोड़ी। और ये 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है, इलायची पाउडर भी पड़ेगा इसमें। और ये मैंने कढ़ाई रख ली है, नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। इसमें डाल देते हैं सबसे पहले ये घी। नॉन स्टिक कढ़ाई में आपको नहीं बनाना है, नहीं है तो आप मोटे तले की कढ़ाई ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने डाल देंगे ये घी और बाद में डाल देते हैं ये मिल्क। इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देते हैं पहले, तो फास्ट आंच कर देंगे ताकि अच्छे से जल्दी से बॉईल आ जाए। और इसको फिर बढ़िया से चलाते रहते हैं। ये दूध में बढ़िया सा बॉईल आ गया है। अब अपने गैस को धीमा कर देंगे और ये पाउडर, मिल्क पाउडर डाल के इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो ये अपने इसको पहले तो अच्छे से धीमे आंच पे इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अच्छे से जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता इसको हिलाते रहते हैं। फिर थोड़ा आंच मीडियम कर देते हैं। ये बस जब तक ये एकदम थोड़ा सॉलिड फॉर्म नहीं हो जाता तब तक इसको कंटिन्यू हिलाना है। ये इसको चलाते चलाते 5 मिनट हो गए हैं। बस अब ये कुक होने में ही है। पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छी तरह से पैन छोड़ने लगे तब तक इसको कुक करते हैं। ये देखिए अब अपना मावा बनके रेडी हो गया है और ये पैन भी छोड़ दिया इसने। अब इसको अपने अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। टोटली ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसमें आगे की प्रोसेस करते हैं। और अगर आपको मावा ये ड्राई लगे तो इसमें अब अभी इसी स्टेज पे आप वापस घी डाल के मिक्स करके रख सकते हैं। तब इसको अपने ठंडा होने रख देते हैं। अब अपना मावा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और इसमें अब डालेंगे ये 1 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर और ये एक बाउल है शुगर पाउडर। इसको अब अपने अच्छे से पहले तो मिक्स करेंगे। ये मावा रूम टेम्परेचर पे आ गया है तो इसको अच्छे से मिक्स करके फिर अपने मोदक का जो मोल्ड है इससे मोदक बनाएंगे। अगर ये मिक्सचर शुगर डालने से थोड़ा ढीला हो जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए अपने फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए तो अच्छे से मोदक बनेंगे। ये मावा को मैंने 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था। तो ये देखिए बढ़िया सा अपना मावा सेट हो गया है। और अब इसको अपने मोल्ड में भर के मोदक का शेप देंगे। तो अपने ये है अपना मोदक का मोल्ड।
अब अपने मोदक बनाने के लिए इस तरह से पहले इसको थोड़ा बाइंड कर लेंगे। बाइंड करने के बाद इसमें रख देते हैं और रखने के बाद इसको प्रेस कर देते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देते हैं और जो नीचे का है, नीचे का पार्ट, उसको अच्छे से दबा देते हैं। और अब इसको मोल्ड को अपने इस तरह से खोलेंगे और इसको नीचे से हैंडल करेंगे निकालने के लिए। तो बढ़िया सा ये देखिए अपना मोदक बनके रेडी है। और इसको ऐसे रख देंगे। इसी तरह से आपको एक और भर के बताती हूँ। तो इस तरह से इसको पहले तो थोड़ा बाइंड कर लेंगे। बाइंड करने के बाद इसमें इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद सारा एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे और नीचे से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि इसका बेज अच्छे से बन जाए। और अब अपने इसको खोल के ये इसको मोल्ड में से निकालते टाइम ये नीचे से हैंडल करके निकालेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो इसी तरह से अपने सारे मोदक बना लेंगे। ये अपने ये मोदक इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो ये अपने मोदक बन गए हैं और अभी आगे और बनाते हैं। अगर आपके पास मोदक का मोल्ड नहीं है तो आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले अपने इस तरह से लुआ ले लेंगे और फिर उसको इस तरह से शेप देंगे। ऊपर थोड़ा पॉइंटेड बने इस तरह से। तो बस ये देखिए अपना बढ़िया सा मोदक बनके तैयार है। तो आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए पहले इस तरह से, फिर ये बेस बना के ऊपर ऐसा थोड़ा पॉइंटेड बना देने का। तो ये अपना बढ़िया सा इस तरह से भी मोदक बनके रेडी हो जाएंगे। तो ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये मेरे मिल्क पाउडर से बने मावे के मोदक गणपति बाप्पा के लिए मैंने बनाए हैं। तो मेरे सारे बढ़िया से मोदक बनके रेडी है। तो अब अपने इसको गणपति बाप्पा का भोग लगाएंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।